द्रौपदी रतन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जैमिनीपुरम में संस्थापक दिवस गुरुवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रेरणाता स्वर्गीय द्रौपदी देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा राष्ट्र कल्याण के लिए वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया। निर्धन छात्र छात्राओं को स्वेटर व मोजे भी वितरित किए गए। समारोह का आरंभ सरस्वती वंदना तथा दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी तथा दीपक बाबू सी ए ने दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात वैदिक विद्वान आचार्य भूपेंद्र शास्त्री ने यज्ञ संपन्न कराया, जिसमें छात्रों द्वारा राष्ट्र कल्याण के लिए आहुतियां दी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में ये तो सच है कि भगवान देश रंगीला सर्वाधिक सराहे गए, जिन्हें काजल, ज्योति, स्वाति, लव व लोकेश आदि द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य वक्ता समाज सेवी ज्ञानेन्द्र गांधी ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को राष्ट्र निर्माण में बाधक बताया तथा गुरुकुल शिक्षा पद्धति के वकालत करते हुए संस्कारवान शिक्षा पर बल दिया। वरिष्ठ साहित्यकार शिव अवतार सरस ने कविताओं के माध्यम से जागरूकता पैदा की। क्षेत्रीय पार्षद अंजलि राजपूत तथा मोहनलाल सैनी ने भी संबोधित किया। विद्यालय की अध्यक्ष आशा जैमिनी ने निर्धन छात्र छात्राओं को स्वेटर व मोजे बांटे। प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी ने नवीन सत्र से कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने की बात कही। विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्जुन सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कमलेश वर्मा, रमाशंकर शर्मा, विजय वीर सिंह, सरोज गुप्ता, नीता रावत, राधा सक्सेना, दया रस्तोगी, माया सक्सेना, विष्णु रस्तोगी, दीपिका जूली आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया। अध्यक्षता डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी ने तथा संचालन कमल सिंह ने किया। हम सभी के मार्गदर्शक प्रेरणा स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय विश्वनाथ जैमिनी जी, माता श्रीमती आशा जैमिनी जी, इस विद्यालय के प्रबंधक प्रिय कालू सौरभ जी, मंच सभी विद्यजन, पूजा की माँ शक्ति राष्ट्र धरोहर, प्यारे बच्चों, ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से इस तरीके के आयोजनों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। मैंने अभी वेद मंच से अपनी बात प्रारंभ करी। ओम विश्वानी देव सुविधर दुर्गानी पराशो यद भद्रम तन्नासो। हे परमपिता परमात्मा, हमारे दुर्गो दुर्व्यसनों को दूर करके जो मंगलकारी एवं गुणकारी गुण एवं पदार्थ है वो हमको प्राप्त कराइए। शायद मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप सब लोग विद्यालय में आते हैं। आज जिस माँ स्वर्गीय द्रौपदी देवी जी की पुण्यतिथि पर इस विद्यालय की स्थापना की गई, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनकी पुण्यतिथि और जन्म दिवस दोनों एक ऐतिहासिक तिथि होती है और वो कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। सर आपका नाम? अर्जुन सिंह। सर आज विद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजन हुआ? आज द्रौपदी देवी जी की पुण्यतिथि थी और वही विद्यालय का स्थापना दिवस भी है इस विद्यालय का, तो उसी दृष्टि से यहाँ पर एक यज्ञ का कार्यक्रम किया गया था और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। विश्वनाथ जैमिनी जी जो उनके पुत्र हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से विद्यालय क्षेत्र में चार विद्यालयों की, एक महाविद्यालय और तीन एक इंटर कॉलेज, दो हाई स्कूल की स्थापना की है, वो भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। और इस समय वर्तमान में काव्य सौरभ उनके जो पुत्र हैं वो विद्यालय का यहाँ पर प्रबंधक देख रहे हैं। मिलाकर के इस क्षेत्र में जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें इस विद्यालय की स्थापना एक बहुत अच्छा पवित्र कार्य था, उस दृष्टि से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कुछ जो बहुत निर्धन बच्चे हैं उनके लिए जर्सियाँ बांटने का प्रोग्राम भी यहाँ पर है। आज जो निर्धन परिवार से बच्चे हैं सर आज विद्यालय में क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये हमारा विद्यालय, हमने अपने माता पिता की स्मृति में
इसको सन 59 में खुला था और आज हमारी माता का अवसान दिवस है, पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए हम हर वर्ष इस दिन यज्ञ, वैदिक यज्ञ, चूँकि वो वैदिक धर्म के अनुयायी थी, आर्य समाज विचारों की थी, तो वैदिक यज्ञ कराते हैं और थोड़े से उनके श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पार्जन और अतिथियों को बुला करके उनका उद्बोधन, इसके अलावा कुछ अच्छे किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम इनका आयोजन करते हैं।